क्या आपको पता है इस धरती पर और इस ब्रह्मांड में अरबों खरबों साल पहले ऐसे दानव मौजूद हुआ करते थे जो आज के समय में मौजूद होते तो इंसानों का नामो निशान तक मिटा देते। इसलिए हमारे लिए अच्छी बात है कि आज के समय ये दानव मौजूद नहीं है। तो दोस्त, आज की इस वीडियो में हम ऐसे 5 दानव के बारे में जानेंगे जिन्होंने इंसान का जीना हराम कर दिया था। 5th नंबर पर आता है नूरे ओन्ना। यह एक बिल्कुल सांप की तरह दिखने वाली दानव थी जिसका सर एक औरत का बना हुआ था और इसके बाल काफी लंबे थे जो ज्यादातर लोगों को नदी किनारे अपने बालों को धोते हुए पाई जाती थी। अगर इसको नदी किनारे कोई भी डिस्टर्ब कर देता तो वह उसको जान से मार देती थी। लेकिन दोस्त, नूरे ओन्ना अपना पूरा शरीर नहीं दिखाती थी, वह अपने शरीर को पानी के अंदर डुबा कर रखती थी और जब कोई उसे दिखाई देता तो वह डूबने का नाटक किया करती थी और जब कोई उसे बचाने के लिए उसके पास आता तो वह उसको डुबा कर मार दिया करती थी। 4th नंबर पर आता है ईस्टर्न ड्रैगन। जैसा फिल्मों में ड्रैगन को दिखाया जाता है, यह बिल्कुल उनसे अलग था। यह सांप की तरह दिखने वाला ड्रैगन था जिसके 4 पैर हुआ करते थे। लेकिन दोस्त, यह इतना शक्तिशाली था कि धरती के मौसम को भी कंट्रोल कर सकता था। हालांकि जापान में इसे गुड लक का प्रतीक माना जाता है। 3rd नंबर पर आता है मिनोकादा। यह एक ड्रैगन की तरह दिखने वाला पक्षी था जो धरती पर नहीं बल्कि अंतरिक्ष में रहा करता था। जो प्राचीन लोगों का मानना था, यह इतना बड़ा पक्षी था जो सूरज के बराबर किसी भी चीज को निगल सकता था और यह पक्षी सूरज और चांद को भी तबाह कर सकता था, यहाँ तक कि हमारी पृथ्वी को भी नष्ट कर सकता था। 2nd नंबर पर आता है बीस्ट ऑफ रिवेलेशन। क्रिश्चियन मेथोलॉजी के अंदर रिवेलेशन चैप्टर 13 और 17 में इस दानव के बारे में काफी कुछ बताया गया है जिसमें इसके 7 सर और 10 सींग हुआ करते थे। लेकिन दोस्त, अगर इसके पावर की बात करें तो आज के समय में कोई भी हथियार इस क्रिएचर को मार नहीं सकता था। इस क्रिएचर को सिर्फ गॉड या फिर फरिश्ते ही मार सकते हैं। फैक्ट नंबर 1 से पहले इस वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब करके इस बेल आइकन को जरूर बजाना जिससे आपको ऐसी मजेदार वीडियो सबसे पहले आपके मोबाइल में आ सके। और दोस्त, अगर आप भी ऐसी बिना कैमरे के सामने आए ऐसी वीडियो बनाना चाहते हो और YouTube पर वीडियो डालकर लाखों रुपए कमाना चाहते हो तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो का लिंक दिया हुआ है, जाकर देख लें। 1st नंबर पर आता है कीरिन। जापान मेथोलॉजी के अंदर इस क्रिएचर को भगवान का भेजा हुआ मैसेंजर बताया गया है जो कि 500 साल में सिर्फ एक बार धरती पर दिखाई देता है, जो काफी कलर का हुआ करता था। इसे जापानीज यूनिकॉर्न भी माना जाता था। यह घोड़े की तरह दिखने वाला क्रिएचर था। इसके सर पर सींग भी मौजूद हुआ करते थे। यह क्रिएचर अच्छे लोगों का तो कुछ भी नहीं करता था, लेकिन बुरा काम करने वाले लोगों के लिए कड़ी सजा देने वाला जीव था। इसकी ज्यादातर मूर्तियां जापान के मंदिरों के बाहर दिखाई दे जाएंगी। क्या आपको पता है इस दुनिया में ऐसे अजीबोगरीब जानवर मौजूद हैं जो कि एक ज्वालामुखी के अंदर रहते हैं। और आपको तो पता ही होगा ज्वालामुखी कितना गर्म लावा होता है। आज मैं आपको एक नहीं बल्कि 5 ऐसे जानवर दिखाने वाला हूँ जो सच में ज्वालामुखी के अंदर रहते हैं और वह आज भी जिंदा है। इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आप इस वीडियो को 2 दिनों तक भुला नहीं पाओगे।